हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गोविंद शेखर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट्स पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप विजिट करें कॉन्फिडेंस पॉइंट्स पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। दोस्तों, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम इस ट्यूटोरियल्स में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो है आपका एलसीआर सर्किट से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटिंग परिपथ धारा परिपथ या क्वेश्चन है, एसी धारा के श्रेणी परिपथ में एक प्रेरकत्व संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर विभांतर क्रमशः 18 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट प्राप्त हुआ, तो ज्ञात कीजिए परिणामी विभांतर V तथा I के बीच कलांतर। ठीक ना, क्वेश्चन है कि हमारे पास एक श्रेणी क्रम में एलसीआर सर्किट है। ठीक, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 9 वोल्ट का विभांतर है, है ना, इंडक्टर के क्रॉस 18 वोल्ट का विभांतर है और कैपेसिटर के क्रॉस हमारा 6 वोल्ट का विभांतर है। इसका टोटल जो विभांतर है वो टोटल विभांतर कितना होगा यहां पे? ठीक ना, तो हमें यहां पे इसका परिणामी विभांतर कैलकुलेट करना है। ठीक ना, अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो फेजर डायग्राम इसका इस टाइप से बनेगा। इधर होगा वी आर, इस डायरेक्शन में होगा आपका वी एल, इस डायरेक्शन में होगा आपका वी सी। वी एल एंड वी सी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इसका परिणामी विभव हो जाएगा इस डायरेक्शन में वी एल माइनस वी सी, और इन वी एल माइनस वी सी और आर का जो परिणामी हो जाएगा ये हो जाएगा वी, ये भी निकलेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। तो परिणामी विभांतर V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू आपको फुटिंग कर देना है। तो यहां पे वी आर हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस सॉरी 9 का स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 18 में से 6 का कितना 12, 12 का वर्ग करेंगे कितना है 144, इनको जोड़ देंगे तो आएगा 5, 8, 4 12 का 2 से लेगा 1, 2 और 1, 1 और 1 2, 1 225 तो हो जाएगा 15 वोल्ट। ठीक ना, तो एलसीआर सर्किट जो है हमारे पास, इस एलसीआर सर्किट का जो परिणामी वोल्टेज आएगा वो आपको कितना आएगा 15 वोल्ट। ठीक ना, अच्छा V तथा I के बीच कालांतर क्या है, इनके बीच में फाई कितना है, ये हो जाएगा आपका फाई, जिस डायरेक्शन में V आ रहा है इसी डायरेक्शन में आपका करंट भी होता है, यहां से फाई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो वी एल है आपका 18 माइनस 6 बटे 12 18 माइनस 6 कितना जाएगा 12, 12 बटे 9, तो इसको अगर 3 से काटेंगे तो ये 4 बटे 3, तो 5 इज इक्वल टू आपका टेन इनवर्स 4/3। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा V तथा I के बीच कलांतर। आई होप समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 1 एम्पियर की धारा तथा 100 वाट शक्ति लेता है, एक एम्पियर की धारा तथा 100 वाट शक्ति लेता है, कुंडली का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, उस कुंडली का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस निकालना है और प्लस उसका प्रेरकत्व एल निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसमें एल और आर निकालना है। तो हमें समझ में आता है कि सर्किट हमारा कैसा सर्किट है, एल आर सर्किट है, कैसा सर्किट है, एल आर सर्किट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर हमारे पास वोल्टेज दे रखा है, वी आर एम एस वैल्यू दे रखा है, वोल्टेज का 110 वोल्ट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है आवृत्ति 50 हर्ट्ज, करंट का आर एम एस वैल्यू दे रखा है 1 एम्पियर, पावर दे रखा है आपका 100 वॉट। ठीक है, तो ये से पावर के फॉर्मुलेशन क्या कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर पी इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ठीक ना, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन आई आर एम एस का स्क्वायर, पी हमारा कितना है 100 वॉट। ठीक,
आई कितना है 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 100 आ जाएगा, 100 ओम। तो आर निकल के आया हमारे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अच्छा सेकंड में एल निकालना, तो एल निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या, एक्सेल चाहिए। क्या चाहिए आपका, एक्सेल चाहिए। अगर एक्सेल कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्सेल से हम क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। तो यहां पे चूंकि सर्किट कैसा है, एल आर सर्किट है, तो यहां पे हम प्रतिबाधा का फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। RMS values आपका दे रखा है 110, 110 by 1 is equals to ये R square, R दे रखा है आपका 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 110 ही आएगा। दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्क कर देते हैं, दोनों पक्षों में अगर आप वर्क करेंगे तो यहाँ पे 110 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 100 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा XL का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या जाएगा, 110 प्लस 100 और 110 माइनस 100, 110 ये हो जाएगा 210 इंटू 10 इंटू 10। तो XL का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया, तो XL इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 10 इंटू 10, 21 इंटू 10 इंटू 10, तो यहां से 10 कॉमन आ जाएगा, मतलब 10 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 21 XL आ गया आपका, ठीक है। अब इस XL के फॉर्मूले से XL का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, L निकाल सकते हैं। तो L निकालने के लिए हम XL इज इक्वल टू यूज करेंगे, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, और ओमेगा L इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई F L, तो पाई एफ एल, ठीक है। अच्छा यहां से L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका XL अपॉन 2 पाई F, XL हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन ये आएगा आपका 2 इंटू पाई 22 बाय 7 इंटू F, F है आपका 50, F है आपका 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 स्क्वायर रूट ऑफ 21 बाय 10 इंटू 22, तो यह जाएगा आपका 7 स्क्वायर रूट ऑफ 21 बाय 220। बाकी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 21 का स्क्वायर रूट निकाल के 7 से मल्टीप्लाई करके 220 से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। एक संधारित्र की धारिता 0.3 माइक्रोफेरेड है, इसके साथ कितने प्रेरकत्व की कुंडली जोड़ी जाए कि अनुनाद आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज हो जाए, ठीक है। यहां पे हमारे पास धारिता दे रखा है C इज इक्वल टू 0.3 पिकोफेरेड, ठीक है ना। तो पिकोफेरेड को अगर फेरेड में कन्वर्ट करें 0.3 इंटू 10 टू माइनस का 12 फेरेड। अच्छा नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास एक अनुनाद आवृत्ति दे रखा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज को अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर 6। अच्छा हमसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रेरकत्व की कुंडली को जोड़ी जाए, मतलब हमें क्या निकालना है, क्या इसमें एल निकालना है, ठीक ना। तो अनुनाद अनुनाद आवृत्ति, ठीक ना, एफ नॉट इज इक्वल टू होता है 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। यहां पे हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्क कर देते हैं, तो एफ नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर एलसी, पाई स्क्वायर एलसी। तो यहां पे एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई स्क्वायर सी एफ नॉट का स्क्वायर, वैल्यू पुटिंग कर देते हैं 1/4 इंटू 22/7 का स्क्वायर इंटू सी 0.3
थ्री इंटू 10^-12 इंटू f स्क्वायर का वर्क करेंगे तो 10^6 का वर्क करेंगे कितना आएगा, 10^12 10^-12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 49/4 इंटू 0.3 इंटू 22 का वर्क करेंगे कितना आएगा 484 ठीक है। अब चाहे तो यहां से जीरो हटा के यहां पे पॉइंट हटा के यहां पे जीरो लगा सकते हैं 490/12×484 ठीक। अब इसको आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चों ने कैलकुलेशन सही किया है, कैलकुलेशन सही करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा मिल सके। इसके अलावा भी अगर कोई कुछ भी चीज आपको पूछना है, कोई भी टॉपिक आपको पूछना है या आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को पढ़ाते रहिए और ऐसे ही खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।